साथ ही इस समय आप अपनी स्क्रीन पर डीपीआई द्वारा जारी एक काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र देख रहे हैं। यदि हम इस पत्र में देखें तो प्रदेश के समस्त विद्यालयों में जो अध्ययनरत छात्र छात्राएं हैं उनके लिए ग्रीष्मकालीन खेलों का जो समर कैंप है वह लगाया जाएगा और जो समर कैंप है 5 मई से 5 जून 2023 तक आयोजित किया जाएगा। उसी के संबंध में पत्र में विस्तृत दिशा निर्देश दिए हुए हैं। समस्त विद्यालय स्तर पर ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान विशेष खेल प्रशिक्षण शिविर के साथ समर कैंप में बच्चों की अभिरुचि के अनुसार विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। विभिन्न खेलों के साथ समर कैंप में पेंटिंग, डांस, भरतनाट्यम, गाना बजाना, तबला, बांसुरी, साइंस प्रोजेक्ट आदि छात्रों की रुचियों का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। यहाँ पर हम देखें इसके पॉइंट क्रमांक 2 में तो नोडल खेल सेंटर पर संचालनालय द्वारा समस्त आवश्यक खेल सामग्री उपलब्ध कराई गई है। यहाँ पर नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु मानदेय पर कोच रखने के निर्देश हैं। नोडल खेल विद्यालयों में उपलब्ध खिलाड़ियों एवं कोच की उपलब्धता के आधार पर विकसित किया गया है। इन नोडल खेल विद्यालयों में आसपास के विद्यार्थी भी आकर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि कुछ विद्यालय विशेष हैं जिन्हें नोडल खेल विद्यालय के रूप में चयनित किया गया है और आसपास के विद्यालय के जो बच्चे होंगे वह इस विद्यालय में आकर खेल संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त कर पाएंगे। खेलों में यदि हम देखें तो एथलेटिक्स, रॉप स्कीपिंग, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, हॉकी, हैंडबॉल, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी, जूडो, कुरास यानी कि विभिन्न प्रकार के जो खेल हैं दिए हुए हैं और अन्य गतिविधियाँ भी इसमें दी हुई हैं। समस्त विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण के आयोजन एवं नोडल खेल विद्यालय सेंटर हेतु समर कैंप में निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए जाते हैं। मास्टर ट्रेनर एवं खेल मैदान आदि की व्यवस्था विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित की जाए। जिला अंतर्गत शासकीय अशासकीय विद्यालयों का चयन अनुसार खेलों का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु छात्र अपने घर से नज़दीक की शाला में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। शासकीय नोडल खेल विद्यालयों पर खेल सामग्री उपकरण आवश्यकता अनुसार संचालनालय द्वारा प्रदान किए जाएंगे। समस्त नोडल विद्यालय के समर कैंप के लिए प्रशिक्षक का मानदेय अधिकतम 10,000 रुपये प्रति माह के से मानदेय दे होगा। 50 छात्रों पर एक प्रशिक्षक और 100 से अधिक छात्रों पर 2 प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। और जो प्रशिक्षण आयोजन का समय रहेगा 7:00 से 9:00 और 5 से 7 बजे तक रहने वाला है। आवश्यकता अनुसार राशि का बंटन प्रति जिला अधिकतम 1.5 लाख रुपये संचालनालय द्वारा जारी की जाएगी। खेल मैदान की व्यवस्था एवं समर कैंप प्रशिक्षण हेतु विभिन्न समितियों का गठन किया जाए तथा छात्रों के प्रशिक्षण के दौरान स्वल्प आहार पानी की प्रति खिलाड़ी 20 रुपये व्यवस्था विद्यालय जिला क्रीड़ा निधि से की जाए। पीरामल फाउंडेशन के द्वारा इस प्रशिक्षण में सहयोग दिया जाएगा। कृपया इनसे संपर्क कर पूर्ण कार्य योजना सुनिश्चित की जाए। समर कैंप एवं खेलों की प्रतियोगिताओं का आयोजन एक एक नोडल सेंटर पर दिनांक 9 से 10 जून 2023 तक किए जाने हेतु समस्त जिलों के आयोजन स्थल, विद्यालय के नाम का प्रस्ताव एवं आयोजन पर होने वाला विवरण 15 अप्रैल 2023 तक भेजा जाना आवश्यक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से डीपीआई ने ये काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है। यदि हम इस पत्र की बारीकियों को समझें तो छात्र छात्राओं के खेल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 5 मई से 5 जून तक खेल प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे और इसके लिए नोडल विद्यालयों का चयन होगा, उसमें प्रशिक्षक भी रखे जाएंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र डीपीआई से जारी हुआ है। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्द ही नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।